सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो बीजे ब्लॉग्स और आज है संडे। और आज का डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का डेट है 8 दिसंबर 2019 और ईयर का भी एंड हो रहा है, तो अभी पिकनिक चालू हो रहा है। तो जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हो कि उदय मस्ती कि टाइटल से आप देख सकते हो कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिसंबर फॉर पिकनिक, टाइटल से आपको पता चल गया होगा। सो मेरे साथ आज जाने वाला है फिर से वही एक ही तो बंदा मेरे साथ जाता है हर बार, उदय। कैमरे के पीछे एक बार दिखा ले अपना मुंह, दिखा ले अपना मुंह सबको। दिखा नहीं ठीक से, पीछे दिखा, मैं दिखाता हूँ, ये देखा, इसको देखा। हाँ तो अभी हम लोग, टाइम कितना हो रहा है अभी, 8:30 हो रहा है अभी, हम लोग निकल रहे हैं। यही रेगुलर टाइम होता है सब पिकनिक के लिए, यही टाइम से निकलते हैं, इसलिए मैं निकल रहा हूँ अभी। सो आप देख सकते हो सेटअप रेडी है और ये बैग के अंदर एक वाटर बॉटल है जो कि एसेंशियल है, और खाने का भी हम लोग रास्ते में लेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एंड ग्लव्स एंड ऑल रेडी है। और चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इधर भी। सो आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, अभी मैं घर पे ही हूँ, तो मैं घर से ही ट्रिप ज़ीरो कर दे रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जैसे देख सकते हो ट्रिप टू है, लैप टाइमिंग 1 मिनट, ट्रिप वन को हम लोग कर देते हैं ज़ीरो। ये देखिए ट्रिप वन हो गया ज़ीरो। तो अभी घर से डेस्टिनेशन तक कितना होगा, घर से डेस्टिनेशन तक कितना दूरी होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो में। लास्ट वीडियो में खंडारे वाला वीडियो में आपको मैं बता नहीं पाया था, तो एक चीज़ मेरा गलती हो गया था, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगेगा। लास्ट वाला वीडियो में, खंडारे वाला वीडियो में मैं असल में बता नहीं पाया था कि कितना डिस्टेंस मुझे लगा, इसलिए मैंने अभी ट्रिप आपको मैंने ज़ीरो किया, घर से चालू कर रहा हूँ और पूरे डेस्टिनेशन तक मैं आपको बताऊंगा कि कितना किलोमीटर हम लोग ड्राइव किए और कितना टाइम में पहुंचे, कि आप जब जाए आप भी उस हिसाब से एनालाइज करके आप जा सकते हो। सो गाइज, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा फिर चलेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं। और हम लोग खा रहे हैं, ये मेरा है दो कचौड़ी, मैं खा रहा हूँ कचौड़ी, और उदय क्या खा रहा है तू? ब्रेकफास्ट मील। ब्रेकफास्ट मील तू क्या खा रहा है? समोसा और बड़ा, ठीक है। और हम लोग खा रहे हैं यहाँ महावीर से, तो खा लेते हैं और फिर चलते हैं। हम लोग हर वक्त रुकते हैं मंदिर में, ये मंदिर श्योर है, अभी पूजा करते हैं उसके बाद आप लोग को। हाँ ट्रिप एक बार दिखा देता हूँ, अभी तक कितना किलोमीटर हो चुका है, अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को मैं। इस सो ट्रिप वन देख सकते हो आप, 34 किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक, और अभी और थोड़ा डेस्टिनेशन बाकी है। तो चलो पूजा करते हैं उसके बाद का ब्लॉग, पूजा करने के बाद।
जस्ट हम लोग पहुंचे और मैं सबसे पहले आपको ट्रिप बता देता हूँ, जैसे कि मैं बोला हूँ कि आपको अपडेट रखूँगा तो मैं आपको ट्रिप बता देता हूँ। हम लोग लोकेशन में पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लोकेशन, और अभी हम लोग पूरा अंदर तक जाएंगे। अभी चिंता मत करो, पूरा अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे। अब देखते तो पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, इसलिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसा नज़ारा आप घर बैठ के देखोगे तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जैसे भी करके। सो ट्रिप दिखा देते, उधर एक ट्रिप दिखा दे। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग घर से शुरू किए थे, ज़ीरो से, और ट्रिप वन देख सकते हो 47 किलोमीटर, मतलब 49 है, 48 किलोमीटर्स टोटल आपको लग जाएगा अगर आप कोयल नगर से निकलोगे तो। सो आप ये जगह से जब आओगे बाइक से, यहाँ से आप आओगे, अगर पिकनिक के लिए भी आ सकते हो तो कार को उधर ऊपर ही हम लोग को रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग को चल चल के इधर से आना पड़ेगा। उसके बाद चलो अब दिखते जाते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, इधर भी जा सकते हो, फिर यहाँ से भी जाने का, यहाँ से असल में नीचे जाने तक का, पर इधर बैठे लोकेशन है, यहाँ पे आप अच्छे से फोटोशूट कर पाओगे, मेन वही है। और आप लोकेशन देख सकते हो कितना ग्रीनरी है। ये टाइम इसलिए आना चाहिए कि आपका वेदर भी पूरा प्लेजेंट है, बहुत मज़ा आएगा आपको पिकनिक करने में। आप देख सकते हो इधर, आप पूरा पूरा अच्छा सा व्यू इधर शूट अच्छे से कर सकते हो। पर हाँ, इधर पिकनिक करने का कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे आप बैठ के फैमिली के साथ खा पी सकते हो। तो अभी हम लोग जाएंगे असल तरफ, उस तरफ जहाँ पे पिकनिक हो सकता है, शायद से, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मैं देख के बताऊँगा आप लोग को। हाँ चल, ये एक मिनी थाईलैंड जैसे भी लग रहा है, देख सकते हो पेड़ पौधा इतना सारे हैं, बाइक्स पेड़ के नीचे हैं, और आप आ सकते हो इधर। वो अरे ये तो ब्लूस्टोन का ही पार्ट है, अच्छा लग रहा है ना? बे बता, आप लोग कहाँ पर हैं, किसके बीच में है? हाँ किसका? हाँ ये असल में ब्लूस्टोन और दार्जिलिंग का बीच का जगह है, बीच का। यहाँ पे असल में पिकनिक करने का बहुत मजा आ सकता है। ब्लूस्टोन आप देख चुके हो, मैं आपको दिखा चुका हूँ, उधर भी आप जा सकते हो, पर ये एक तो बहुत प्लीजेंट और बहुत कम जन को पता है ये जगह, इसलिए बहुत कम जन आते हैं। और आप फैमिली के साथ आओगे तो मतलब ऐसा लगे यूनिक लगेगा आप लोगों को जगह, और कोई नहीं है, पूरा मस्त आप इंजॉय करके पिकनिक आप मस्त बना सकते हो, कोई भी प्लेस में आपके लिए खाली रहेगा। आप पूरा देख सकते हो लोकेशन, पूरा जंगल पीछे तरफ, उधर दिखा अपना पूरा लोकेशन देखो, खाली लोकेशन चेकआउट करो, वो जंगल ही जंगल है। बंद कर दो, पत्थर दिख रहा है तो बंद कर दो। चल डोंगा जाएगा इसमें बे, चलते चलते, क्या बोलते इस डोंगा है बे? हाँ मैं चलते, क्या बोलते, पैसा ले गया बे, तो क्या हो गया तो क्या बोलते विश्व जी, चलेगा? पूछते हैं, कर रहा है, पूछते हैं। चल अगल उधर पार करने के कितना? 20 रुपए। फिर उधर से लाओगे? अच्छा, ना खाली जाने का, टोटल टोटल 20 बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही सही, हाँ ठीक, हाँ ठीक, आने जाने का तो गिरेंगे नहीं, तो स्विमिंग नहीं आता मेरे को, भैया बचाएंगे ना, मर जाऊंगा भाई, मेरे को डर लगता है। अब तो बता अभी कुछ, हाँ सो अभी हम लोग वो बल्ला रख दे देना, कुछ नहीं होगा। किसको? ओ हेलमेट कहाँ रख दूँ? और पत्थर में? नहीं नहीं चलेगा चलेगा, छोटे ना ले लेंगे। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग बोट में जाएंगे उस पार, जैसे भैया बताया था, भैया को देख लो, एक्सपीरियंस ड्राइवर। कहाँ बैठने भैया? नीचे, किधर नीचे? ओ शिट, तू बैठेगा फिर मैं देर भर बैठूंगा, यहाँ पे बैठू, चलो ठीक है, बचा लोगे तो भैया।
माय गॉड, आप देख सकते हो। हिला डुली नहीं भाई, ड्रामा प्लीज। देखो दिखा, पकड़ दिखा, आप देख सकते हो भैया लेके जा रहे हैं हम लोग को। ये होता है मजा। और भैया अभी हम लोग क्लिपिंग करेंगे। अभी रुक ना, तू गिर जा। जी भैया। हाँ, तो आपको अगर पिकनिक करने का होगा तो आप ऐसे बोट में आप आ सकते हो। इधर भैया पिकनिक के लिए इस तरफ आ सकते हैं ना, यहीं पर आता है ना पिकनिक के लिए। अच्छा अच्छा, ये भैया का स्टे हरियाणा हरियाणा होता है भैया का। हो ओ वाव, क्या सीन है, देखो। वाव वाव वाव, यहाँ जाए थे हम लोग। बहुत ज्यादा धूप है, पानी आप देख सकते। थंबनेल हो गया पूरा, थंबनेल हो गया। थंबनेल तो हो गया भाई, थंबनेल हो गया। अबे 7 मिनट ले लेते हैं, आप बंद कर। सो गाइज, अभी जैसे कि भैया बताया हम लोगों की यही है पिकनिक स्पॉट, असल में सब आते हैं उधर। उधर भी जहाँ पे मैं आपको दिखाया पहले, उधर भी पिकनिक करते हैं। अगर आपको इस तरफ आना तो ये बोट 10 रुपीस लेता है एक पर पर्सन को इस तरफ लाने में, तो उन लोग लेके आते हैं। और इस साइड भी पिकनिक होता है, इधर भी पिकनिक कर सकते हो आप। इधर देख सकते हो शर्ट के नीचे भी कर सकते हो पिकनिक मस्त से। सो अभी कहाँ, और आप इधर से अगर जाओगे ऊपर, उधर सीढ़ी है आप देख सकते हो, जूम कर देख पर, तो वहाँ पे गांव है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर माने तो। सो अभी वापस हम लोग जा। सो आई होप कि आप लोग को अभी तक अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक द वीडियो, और नया हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब और शेयर करो। उड़ीसा को दिखाओ सबको, पूरा दूर दूर देश तक जाना चाहिए हम मेरा ये वीडियो। शेयर नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं आ रहे ज़्यादा मेरे को। लोकेशन देखो, आप लोग कितने एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हो। छूट जाए ना, डोंगा में बैठ के घूम रहे हैं हम लोग। सो गाइस, अभी जितना जन से अभी हम लोग टोटल 5 लोकल से पूछे, लोकल्स मतलब जो यहाँ पे रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोग बोले कि यही है असल का पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे जो दिखाया मैं उधर भी करते पिकनिक, और वो डोंगा में पार करके आप उधर जाओगे, उधर भी आप पिकनिक कर सकते हो। सो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं, उन लोग बोल रहे कि जंगल है उधर, पिकनिक स्पॉट अच्छा से नहीं है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नए हो, और शेयर करो, दबा के शेयर करो। व्यूज़ आना चाहिए इसमें मेरे को चाहिए 500 व्यूज़, जैसे भी आप लोग पहुँचाओ। और बस आप लोग के लिए इतना एडवेंचर किया है, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आओ और दिसंबर में पिकनिक बनाओ सब मस्त विंटर। और उदय कुछ बोलना चाह रहा है, उसको दिखा देता हूँ। आप लोग सपोर्ट, उदय उदय तो बोल ना, तो आप लोग सपोर्ट बोल क्या। हाँ, सो आप लोग के ही सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना आ पा रहे हैं। हम लोग घर पे भी आजकल छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोग के फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो सब दूसरे को पसंद आ रहा है। सो आप शेयर करो अच्छा से, और लाइक करो वीडियो को। सो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।